अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने देखा था व्याकरण में एकम दो समास, जिसके बारे में हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समास की व्याख्या देखी थी कि सम एटले साथे अने आस एटले बेसू, तो एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ साथ में मिलकर एक नया प्रत्यय रहित शब्द बनाता है उसे समास कहते हैं। मतलब समास जो है वो अलग अलग अर्थ वाले शब्द जुड़कर एक नया अर्थ वाला शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। और समास का विग्रह किसे कहते हैं, तो समास में जुड़े हुए शब्द को जब अलग किया जाता है और तब उसका अर्थ बताया जाता है तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। तो हमने समास के प्रकार देखे थे कितने, 6, लेकिन उसमें से हमने कितने देखे थे, 3। तो पहला द्वंद्व समास देखा था, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा मध्यम पदलोपी समास। ये 3 समास हमने देखे थे। इसके बाद अब आज हम देखेंगे उपपद समास, कर्मधारय समास अने द्विगु समास। तो जल्दी से ये 3 पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि द्वंद्व समास, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सामासिक शब्द को जब अलग करते वक्त बीच में अने या के आए विग्रह करते वक्त तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके उदाहरण आप यहाँ नीचे मिसालें देख सकते हो, जो हमने समझा था बहुत ही आसान है कि सामासिक शब्द का विग्रह करते वक्त अगर अने और के बीच में आता है तो समझो कि वह द्वंद्व समास है। अब देखेंगे तत्पुरुष समास, तो हमने विभक्ति के कोष्टक के जरिए समझा था कि जिसमें सामासिक शब्द का विग्रह करते वक्त अगर विभक्ति प्रत्यय आता है, जैसे ए ने थी थकी माटे वास्ते नो नी नू ना, ये जो विभक्ति प्रत्यय अगर आता है यानी जो दो शब्द है वो विभक्ति प्रत्यय से अगर जुड़ते हैं तो समझो कि वो तत्पुरुष समास है। अब देखेंगे मध्यम पदलोपी समास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीच में वाला पद मध्यम पद उसका लोप हो जाता है, वो लुप्त यानी गायब हो जाता है तो उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि घोड़ा गाड़ी में ये वड़े चालती, टपाल नाखवानी पेटी में नाखवानी, ये सब जो बीच के शब्द है बीच के पद है उनका लुप्त हो जाता है और मुख्य पद और गौण पद जो है वही आते हैं तो इसे मध्यम पदलोपी समास कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए इसके आगे का जो समास है उपपद समास उसकी तरफ गौर करेंगे। तो देखते हैं उपपद समास, तो जे समास में बे पदों वच्चे कोई ने कोई विभक्ति संबंध होय अने जेनु बीजू पद क्रियाधातु होय तेने उपपद समास कहे छे। क्या कहते हैं कि जो समास के दो पद के बीच में विभक्ति संबंध तो हो ही, जैसे हमने आगे कोष्टक में देखा तत्पुरुष समास में देखा, लेकिन जो दूसरा पद इसका है वो क्रियाधातु है यानी क्रिया करने की तरफ इशारा करता हो, क्रियाधातु हो, उसे उपपद समास कहते हैं। मिसाल के जरिए से समझेंगे, तो पहला है नर्मदा। अब ये नर्मदा एक नदी का नाम है जो हमारे गुजरात में ही आई है, तो नर्मदा का अर्थ क्या होता है, नर्म यानि आनंद और दा मतलब आपनार देने वाली, तो आनंद देने वाली उसे कहते हैं नर्मदा। तो ये देने वाली, ये जो आपनार है ये क्रिया धातु है, क्रिया बता रहे कि उसकी क्रिया क्या है, तो ये क्रिया धातु है इसलिए ये उपपद समास है। पानी कड़ो, तो पानी ने कड़े यानि पारखे मतलब पहचाने, तो पानी कड़े ए वो यानि पानी को पहचाने ऐसा, तो यहाँ ये भी उपपद समास का उदाहरण है। फिर शांति कर, तो शांति करे ए वो मतलब शांति कर दे, खामोशी कर दे ऐसा, तो ये भी क्रिया धातु यहाँ इस्तेमाल किया गया है करे ऐसा, तो इसलिए ये भी उपपद समास है। अगर इसकी और आसान सी मिसाल मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे भयंकर, तो भयानक दिखने वाला तो उसे भी उपपद समास कहेंगे। फिर और एक है गोताखोर, तो जो समंदर में डुबकी लगाता है वह, तो उसे भी उपपद समास कहेंगे। उसके बाद है पर्वतारोहक, जो पर्वत पर चढ़ता है वो, यानी जो ये क्रिया करता है वो क्रिया धातु अगर इस्तेमाल किया गया है दूसरे पद में तो समझो कि यह उपपद समास है। आगे देखेंगे कर्मधारय समास, तो जे समास में पूर्वपद विशेषण होय अने उत्तरपद विशेष्य होय एवा समास ने कर्मधारय समास कहे छे। अब आपको पता ही है कि विशेषण किसे कहते हैं,
तो नामना अर्थमा वधारो करे के नामनी विशेषता बतावे तेने विशेषण कहे छे। विशेषता जो शब्द बताता है नाम की उसे विशेषण कहते हैं। अने उत्तरपद विशेष्य हो तो विशेष्य कौन है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है किसी और विशेषण के जरिए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो समास में पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद जो है वो विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब कर्मधारय समास जो है वो कई बार अलग अलग तरीके से आता है, इसके तीन चार रीत है। जैसे सबसे पहले तो मुख्य पद विशेष्य हो यानी गौण पद विशेषण हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुख्य पद है वो विशेष्य होता है जिसको कंपेयर किया जाता है, जिसके नाम जिसकी विशेषता बताई जाती है। और गौण पद विशेषण होता है यानी जिसे कोई खास विशेषण से नवाजा गया हो। जैसे यहाँ मिसाल के जरिए समझेंगे, पर गाम, तो यहाँ मुख्य पद है गाम, गाँव है लेकिन कैसा, पर गाँव यानि पराया गाँव, तो गाँव तो है वो विशेष्य है और जो पर है वो विशेषण है। तो यहाँ आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। भर सभा, तो सभा जो है वो विशेष्य है लेकिन सभा कैसी है, भर यानि भरी हुई, तो वो भर जो है वो विशेषण है। तो ऐसे ही कर्मधारय समास में अगर मुख्य पद विशेष्य होता है और गौण पद विशेषण होता है तो उसे कर्मधारय समास कहेंगे। और दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जैसे देखेंगे मुख्य पद विशेषण होए अने गौण पद उपमान होए, जेम के काजड़ घेरू, काजड़ विशेषण छे अने घेरू उपमान छे। जैसे हम अलंकार हमने पढ़े थे तो उसमें देखा था कि उपमेय और उपमान होता है, तो अलंकार में क्या होता है, उपमेय किसे कहते हैं जिसको कंपेयर किया हो वो, और उपमान किसे कहते हैं तो जिसके साथ कंपेयर किया हो वह। तो यहाँ जो मुख्य पद है वो विशेषण होता है और जो गौण पद है, सेकंड जो वर्ड है पद है उसे उपमान, वो उपमान होता है। जैसे यहाँ मिसाल दी है काजड़ घेरू, तो काजड़ यहाँ विशेषण है मतलब घेरू जो उपमान है तो जिसको कंपेयर किया गया है, घेरू यानि गहरा, तो गहरा है वो उपमान है तो उसे उसको कंपेयर कर रहे हैं लेकिन किसके साथ, उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं कि काजल जैसा गहरा, काजल जैसा गहरा काला डार्क होता है ना, तो वैसा ही। तो यहाँ काजल जो है वो विशेषण है और जो घेरू है वो उपमान है, तो ऐसा भी संबंध आता है, उसमें कर्मधारय समास कहेंगे। आगे और दो रीत बताई गई है कर्मधारय समास की, तो मुख्य पद उपमेय होए अने गौण पद उपमान होए, यहाँ बिल्कुल अलंकार की तरह जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेन पद जो है मुख्य पद वो उपमेय होता है जिसको कंपेयर किया जाता है और गौण पद जो उपमान है मतलब जिसके साथ उसकी सरखामणी की जाती है, कोई अलग वर्ड से उसको नवाजा जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ मिसाल दी है वायु वेग, तो उसमें वायु उपमेय है और वेग उपमान है। फिर चौथा तरीका और है कर्मधारय समास का कि मुख्य पद जो है वो जातिवाचक संज्ञा है और गौण पद जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जातिवाचक संज्ञा मतलब के पूरे किसी समूह के लिए या पूरी एक जाति के लिए जिसका एक कॉमन वर्ड के जरिए जिसका इस्तेमाल होता हो, यानी पूरा एक शब्द जो है या एक पद जो है वो पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करता हो, पूरी जाति के लिए इस्तेमाल होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जो गौण पद है वो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक यानी किसी एक ही व्यक्ति के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, यानी पर्टिकुलर कोई नाम हो जो किसी दूसरे का मतलब के ना हो उसी व्यक्ति के लिए हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ऐसा भी होता है कि मुख्य पद जातिवाचक हो संज्ञा और गौण पद व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। जैसे यहाँ मिसाल के जरिए समझेंगे, तो यहाँ है सूर्यदेव और गंगा भाभी, ये सामासिक शब्द है, यहाँ भी मुख्य पद और गौण पद है, आप देख सकते हो दो पदों से जुड़ा हुआ है यानी सामासिक शब्द है। इसमें जो देव है, सूर्य देव में जो देव है और गंगा भाभी में जो भाभी है वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे सूर्य देव में जो देव है तो ये देव तो कोई भी देव के लिए यूज़ होता है, जैसे यहाँ सूर्य देव लिखा है तो पवन देव है, अग्नि देव है, बराबर जल देव है, तो यहाँ देव तो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कोई पर्टिकुलर सिर्फ सूर्यदेव के लिए ही नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक है। तो इसलिए ये जो देव है ये जातिवाचक है और जो भाभी है वो भी जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ
भाभी शब्द किसी भी भाभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भाभी जातिवाचक संज्ञा है यहाँ, और सूर्य जो है वो और गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूर्य भी किसी एक ही के लिए इस्तेमाल किया गया है तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गंगा भी एक महिला का नाम है जो पर्टिकुलर उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अगर मुख्य पद जातिवाचक हो और गौण पद जो है वो व्यक्तिवाचक हो तो यहाँ कर्मधारय समास बनता है। अगर ध्यान से आप इसके चारों तरीके चारों रीत पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा, बहुत इजी है। अब देखेंगे द्विगु समास, तो ये भी बहुत आसान है कि जे समास में पहलू पद संख्यावाचक विशेषण होय अने बीजू पद संज्ञा होय ते हमेशा समूहनो निर्देश करतो होय तेने द्विगु समास कहे छे। क्या कहते हैं? जो समास में पहला पद संख्यावाचक हो यानी किसी संख्या का निर्देश करता हो, किसी संख्या को हमें दिखाता हो या किसी संख्या की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करता हो, उसे संख्यावाचक विशेषण हो। और दूसरा पद जो है वो हमेशा समूह का निर्देश करता है यानी किसी गिरोह की तरफ इशारा करता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। मिसाल के जरिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखेंगे त्रिभुवन, तो त्रोण भुवनो समूह, यहाँ त्रि जो है, जैसे हमने देखा कि समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण है तो जो ये त्रि जिसका अर्थ होता है त्रोण, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अने दूसरा पद जो है वो समूह का निर्देश करता है तो ये क्या है? त्रोण भुवनो समूह यानी तीन लोक का गिरोह, उसे कहते हैं त्रिभुवन। फिर त्रिलोक, तो इसमें भी त्रोण लोकनो समूह जो तीनों लोकों का समूह है, तो इसमें भी संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल है और समूह की तरफ इशारा किया गया है, गिरोह की तरफ इशारा किया गया है। फिर है सप्ताह यानी जो हम वीक कहेंगे, एक हफ्ता, तो सप्ताह किसे कहेंगे? सात दिवस नो समूह यानी सात दिन का जो समूह है यानी सात दिन का जो अरसा है उसे सप्ताह कहेंगे। तो जो ये सात है ये संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा पद जो है वो समूह का निर्देश करता है। फिर नवरात्रि, तो नवरात्रि नो समूह, तो नौ रातों का जो समूह होता है उसे नवरात्रि कहते हैं, तो यहाँ भी नौ जो है वो संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा जो है संज्ञा, दूसरा पद वो समूह का निर्देश करता है। तो इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि जो सामासिक शब्द में या जो पद में पहला जो पद है वो अगर संख्यावाचक विशेषण है तो आपको समझ जाना है कि ये द्विगु समास है। उम्मीद करती हूँ आपको या जो भी समास है वो समझ में आए होंगे। आपको इनका स्वाध्याय भी नोट में लिख लेना है। नेक्स्ट पीरियड में दूसरा टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।